हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स सो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो पीटी 365 है वो आज की डॉक्यूमेंट ओके okay, सो so, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एंड टोटल ये 97 पेजेस का डॉक्यूमेंट होगा आप देख सकते हो एंड टोटल फाइव इंडेक्स टॉपिक्स हैं सो so, हम यहाँ पे 97 पेजेस को सभी एक एक करके कवर करेंगे एंड स्टार्ट करूँगा मैं एज इट इज़ फर्स्ट टॉपिक से मल्टी ऑर्गेनाइजेशंस सो लेट्स स्टार्ट एंड अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है तो आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे वन मे से मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा डालने वाला हूँ जो कि फिल्म्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा सो so, मस्ट है आपके लिए ज्वाइन कर लो बहुत कुछ आने वाला है सो लेट्स स्टार्ट नाउ सो फर्स्ट मेजर हेडिंग यहाँ पे है मल्टी लेटरल ऑर्गेनाइजेशन एंड इसके अंडर हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस ये न्यूज में क्यों था बिकॉज जो फोर्टी नाइन्थ ग्रुप ऑफ सेवन जी सेवन समिट हुई थी वहाँ पर इंडिया ने क्वेश्चन किया यूनाइटेड नेशन की एबिलिटी को टू इफेक्टिवली प्रिट कॉन्फ्लिक कि वो इफेक्टिवली प्रिंट कर पा रहा है कॉन्फ्लिक्ट या फिर या फिर नहीं तो इस पर उसने क्वेश्चन मार्क लगाया इंडिया ने यूनाइट नेशन की बात करें तो हेड क्वार्टर्स का न्यूयॉर्क यूएस में है इस्टेब्लिश हुआ था नाइनटीन फोर्टी फाइव में ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्राइमरी रोल है कि वो मेनटेन करे वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी को मेम्बर्स इसमें वन नाइनटी थ्री मेम्बर स्टेट्स हैं इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेम्बर है प्रिंसिपल ऑर्गन कौन से हैं यूनाइटेड नेशन के मस्ट है आप याद रखो ये जनरल असेंबली है सिक्योरिटी काउंसिल है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है सेक्रेटेरिएट है ट्रस्टीशिप काउंसिल है एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है मेंटेन करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को डिलीवर करता है ह्यूमैनिटेरियन एड को आपने फिलिस्तीन में देखा होगा ओके okay? प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एंड अपहोल्ड करता है जो भी इंटरनेशनल लॉ है देन यहाँ पे कुछ फ्लैगशिप रिपोर्ट्स दी हुई हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं ओके okay? जिन पे आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक है यू की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है यू की रिपोर्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनिडो की है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन यूनिसेफ निकालता है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट या यू एन हैबिटेट निकालता है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड निकालता है इंडिया को बताया था यहाँ पे कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो गई ओके okay? याद होगा आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे है जो यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स निकालता है देन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रॉस्पेक्ट्स हैं यू एन डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनमिक एंड सोशल अफेयर्स अगेन इसे निकालता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है यू एन सी टी ए डी निकालता है इसे एंड वर्क वर्ल्ड ऑफ वर्क है जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन निकालता है देन यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है बट आपको ध्यान रखनी चाहिए इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन ट्रीटीज़ हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कौन सी हैं इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स हैं एंड कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड है देन रेफ्यूजीज से रिलेटेड कौन सी हैं कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज हैं दैन प्रोटोकॉल है रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज पीनल मैटर्स पे कौन सी ट्रीटीज़ हैं रोम स्टैट्यूट है ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एग्रीमेंट है ऑन द प्रिवेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कन्वेंशन ऑन द सेफ्टी ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड एसोसिएटेड परसनल टेरिज्म रिलेटेड कौन सी ट्रीटीज हैं यूनाइट नेशनस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम है प्रोटोकॉल है टू प्रिवेंट सप्रेस एंड

यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज देसार्मामेंट पेट कॉम्प्रेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी वेरी इंपॉर्टेंट ओके रिलेटेड न्यूज में आर्टिकल नाइन्टी नाइन आया है यू चार्टर का क्योंकि यू सेक्रेटरी जनरल जो है उन्होंने लागू किया था इन्वो किया था आर्टिकल नाइन्टी नाइन यू चार्टर का कि वो वॉर्ड कर सकें यू सिक्योरिटी काउंसिल को किस लिए जो इम्पेंडिंग ह्यूमेटेरियन क्राइसिस हैं गजा की ओके okay? उसके बारे में आर्टिकल नाइन्टी बोल बताता है दैट सेक्रेटरी जनरल जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के अटेंशन में उन्हें सावधान कर सकते हैं उन मैटर्स पे जो उनके ओपिनियन में थ्रेटन कर सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को ओके देन आर्टिकल 99 इन्वोक किया गया है सिर्फ चार बार इससे पहले ओके okay? सो so ये पांचवी बार हो गया इससे पहले सिर्फ चार बार हुआ था पास्ट में जू चार्टर की बात करें तो ये फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड नेशंस का जो कि साइन किया गया था नाइनटीन में इन सैन फ्रांसिस्को ये कॉडिफाई करता है मेजर प्रिंसिपल्स जो है इंटरनेशनल रिलेशन के लाइक सॉवरनिटी सॉवरन इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स एट्सट्रा सो लेट्स गो टू आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ये न्यूज़ में क्यों था बिकॉज यूनाइटेड स्टेट ने फॉर्मली रीजॉइन कर लिया है यूनेस्को को पाँच सालों के बाद और प्रपोज किया है कि वो पे करेगा जो उसका ड्यू रह गया था सिक मोर देन सिक्स हंड्रेड बिलियन डॉलर का ओके okay? यूनेस्को के बारे में बात करें तो उसको हेडकोर्टर पेरिस फ्रांस में है ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यू की जो स्टैबिश हुई थी नाइनटीन में टू कॉन्ट्रीब्यूट टू पीस एंड सिक्योरिटी बाई प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन ओके इंटरनेशनल कॉपरेशन में प्रमोट करते हैं इन एजुकेशन साइंसेज कल्चर कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन मेबरसिप वन नाइनटी फोर कंट्रीज के मेम्बर हैं ट्वेल्व एसोसिएट मेम्बर्स हैं कॉम्पोजिशन की बात करें तो सेक्रेटेरिएट है जो कोई हेड किया जाता है बाई डायरेक्टर जनरल इम्प्लीमेंट करता है डिसीजन जो होते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस के एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अवार्ड्स हैं जो यूनेस्को कुछ देता है कौन से हैं यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम है जो कि अवार्ड किया जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स को एंड ऑर्गेनाइजेशन को बस इतनी इन्फॉमेसन इसके लिए काफ़ी है ओके यूनेस्को फेलिक्स होफोत बोइनी पीस प्राइज है ये अवार्ड जो है ये लिविंग इंडिविजुअल्स एक्टिव इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है फॉर प्रमोटिंग पीस अदर की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यूनेस्को एक मेंबर है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप यू का थ्री यूनेस्को मेंबर स्टेट्स जो हैं वो यू एन नहीं है ओके okay? इंपॉर्टेंट है दो Island, ये दो इन्फॉर्मेशन कुक आइलैंड न्यू एंड पेलेस्टीन ये यूनेस्को के मेंबर तो हैं बट यूनाइटेड नेशंस के मेंबर नहीं है और दो ऐसे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं जो यूनेस्को के मेंबर नहीं है कौन से ऐसे हैं इसराइल एंड लेस्टेंसटीन लेस्टेंसटीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड के बीच में एक छोटी सी कंट्री है चेक कर सकते हो आप की अचीवमेंट्स की बात करें यूनेस्को की तो ये यूनेस्को ने प्रिजर्व किया है प्रिजर्व करता है ये एलेवन नाइन्टी नाइन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को जो कि एक सौ अड़सठ कंट्रीज में लोकेटेड है एंड यूनेस्को डिजिग्नेट करता है साइट्स को जो कि रिप्रेजेंट करती हैं टेन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को जो लैंड एरिया है ओके okay? जो इनटेंडेबल हेरिटेज कन्वेंशन है उसके पास उसमें वन सेवेंटी सेवन स्टेट पार्टीज हैं ओके एंड ये सपोर्ट करता है इन नंबरेबल कल्चरल हेरिटेज को यूनेस्को का जो एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव है इसने कंट्रीब्यूट किया है सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कराई है ग्लोबल एजुकेशन की ओके देन मीडिया डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात करें तो एक प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क जिससे कि हम असेस करते हैं मीडिया लैंडस्केप्स को एक सेपरेट लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर भी है जो कि मेनटेन किया जाता है बाई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी और इसमें भी फिफ्टी सिटीज़ है हैं एज ऑफ ट्वेंटी देन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ यूनेस्को दिए हुए हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है अटेन करना चाहता है क्वालिटी एजुकेशन सभी के लिए ओके एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग एड्रेस करना चाहता है इमर्जिंग जो सोशल एंड एथिकल चैलेंजेस हैं मोबिलाइज करना चाहता है साइंस नॉलेज को एंड पॉलिसी को फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोस्टर करना चाहता है मीन्स बढ़ावा देना चाहता है कल्चरल डाइवर्सिटी इंटर कल्चरल डायलॉग एंड कल्चर ऑफ़ पीस को बिल्ड करना चाहता है इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटीज को थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रिपोर्ट्स कौन सी हैं यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन कल्चर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसकी ग्लोबल ओशन साइंस रिपोर्ट एंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे रिलेटेड न्यूज गिवेन है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट इंडिया को री एलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट की तरह ऑफ एआईबीडी मीन एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट वो भी थर्ड सक्सेसिव टर्म के लिए ए आई बी डी हेडक्वार्टर है क्वा लमपुर मलेशिया में अंडर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनेस्को आई टीयू जो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड यू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये इसके फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं इसमें ट्वेंटी सिक्स गवर्नमेंट मेम्बर कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया जो कि रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनके फोर्टी एट ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटीज के जरिए ओके फंक्शन क्या है ये स्टेब्लिश करता है इंटर रीजनल लिंक्स एंड कॉपरेशन को फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट लेट्स गो टू आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यू एन एच आर सी ये न्यूज में क्यों था बिकॉज जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने इलेक्ट किया फिफ्टीन मेंबर स्टेट्स को ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एंड जो रशिया की बिड थी कि रीजवाइन करना चाहता था इसी को वो डिलाइन कर दिया गया ओके नकार दिया गया जो रशिया है उसे बाहर निकाल दिया गया है यू से जब उसने यूक्रेन को इन्वेड किया यू की बात करें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल याद रखो ओके हेड क्वार्टर जेनेवा में है जेनेसिस ये जेनेसिस की बात करें तो ये क्रिएट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2006 में इसके बारे में बात करें तो एक प्रिंसिपल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विद इन यू एन जो कि स्ट्रेंदन कर दिया प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द ग्लोब को ओके okay? मेंबर्स की बात करें तो फोर्टी सेवन मेंबर्स हैं यहाँ पे इंक्लूडिंग इंडिया एंड मेंबरशिप ये बेस्ड है ऑन इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट टर्म है याद रखो ओके okay? कंट्रीज़ को यहाँ पे जरूरत होती है मिनिमम नाइन्टी सेवन यू एन जनरल असेंबली वोट्स को डी इलेक्ट होने के लिए ओके okay? इलेक्ट होने के लिए मीन्स टेन्योर की बात करें तो मेंबर्स यहाँ पे थ्री इयर्स के पीरियड के लिए रहते हैं एंड एलिजिबल नहीं होते इमीडिएट री इलेक्शन के लिए अगर उन्होंने टू कंजेक्टिव टर्म्स तक सर्व किया है ओके इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ब्यूरो है दैट इज प्रेसिडेंट एंड फोर वाइस प्रेसिडेंट्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ईच ऑफ द फाइव रीजनल ग्रुप्स को सेक्रेटरी सेक्रेटेरिएट है जो कि स्टाफ है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ओ एच एच सी एच आर अदर की इंफॉर्मेशन of की, की बात करें तो ये स्टेब्लिश कर सकता है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी एंड फैक्ट फाइंडिंग मिशन काउंसिल ने अडॉप्ट किया था एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पैकेज 2007 हजार सात में सेटअप करने के लिए इसके प्रोसीजर एंड मैकेजम्स को डिसीजन जो है काउंसिल का वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता है ओके देन नेक्स्ट हम देखते हैं अदर न्यूज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यू डी इंपॉर्टेंट है ये दो में पचहत्तर साल हो गए थे यू के बनने के बने हुए ओके ह्यूमन राइट 75 फाइव इनिशियेटिव यहाँ पर लॉन्च किया गया था इसके थ्री मेन गोल्स थे जो कि फोकस करते थे यूनिवर्सलिटी प्रोग्रेस एंड अचीव इंगेजमेंट पे ओके okay? यू की बात करें तो ये एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ये अप्रूव किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा दिसंबर 10 दो तो को ओके okay? की फीचर्स की बात करें तो ये डिक्लेयर करता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो यूनिवर्सल है मींस कोई भी इंसान हो वो इंजॉय करता है उसके अंडर होते हैं ये नो no मैटर वो कहाँ पे कहाँ से है या फिर कहाँ पे पैदा हुआ है ओके okay? कौन है या फिर कहाँ पे पैदा हुआ है यू डी ए चार जो है टुगेदर विथ फॉलोइंग इंटरनेशनल कॉम्विनेंट्स जो है वो बनाता है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स कौन से कॉमेंट्स हैं यहाँ पे इंटरनेशनल कॉविनेंट ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स आई है देन इंटरनेशनल कॉविनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स आई है देन नेक्स्ट ये एक आ, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी तो नहीं है खुद में बट इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो पार्ट हैं लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के ये इंपॉर्टेंट है याद रखो कि इंडिया एंड यू डी यू डी एच आर की बात करें तो इंडिया सिग्नेटरी है यू डी एच आर का एंड इंडिया ने कई कॉन्ट्रीब्यूशन भी किए हैं टूवर्ड्स द तो फॉर्मेशन ऑफ यू डी एच आर वैरियस थीम्स पे जैसे कि वुमेन राइट्स हो गया नॉन डिस्क्रिमिनेशन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट राइट टू वर्क है सेकुलरिज्म है एट्सेट्रा वेरियस स्टेजेस जो है यू डी एच आर ड्राफ्टिंग की वहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया भाई हंसा मेहता एम आर मशानी एंड लक्ष्मी मेनन एंड जो हंसा मेहता इन्हें क्रेडिट किया गया विद एल्टरिंग एक टर्म जो पहले लिखा हुआ था इसमें ऑल मैन जो भी मैन है वो बॉन्ड है आर बॉर्ड फ्री एंड इक्वल वो फ्री है एंड इक्वल है तो इसे उन्होंने चेंज किया था एंड ह्यूमन बींग्स कर दिया था कि जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो बॉन्ड है फ्री एंड एकवल इन आर्टिकल वन ऑफ द यू डी एच आर काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखो ओके okay? देन यहाँ पे कुछ सम ऑफ द राइट्स हैं जो कि अंडर द डिक्लेरेशन है मीन्स जो कुछ राइट्स हैं इस डिक्लेरेशन के अंडर जैसे कि ऑल ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बॉन्ड फ्री हैं एंड इक्वल हैं इन डिग्निटी एंड राइट्स कोई भी जो है वो स्लेवरी में या फिर सर्विट्यूड में ना रखा जाए मीन्स गुलामी ना कराई जाए किसी से ओके okay? देन किसी पे टॉर्चर ना किया जाए सभी इक्वल होने चाहिए बिफोर द लॉ कोई भी आर्बिट्रे uh, अरेस्ट ना किया जाए डिटेन ना किया जाए फिर एग्जाइल ना किया जाए मीन्स रिपोर्ट ना किया जाए ओके okay? इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स जो हैं सच एज राइट टू सोशल सिक्योरिटी हेल्थ एंड एडुकेट हाउसिंग होना चाहिए सभी के पास किसी को भी आर्बिट्रेरी इंटरफ्रेंस ना किया जाए उसकी प्राइवेसी के साथ होकर सो so ये सब है देन यहाँ पे नेक्स्ट है विनर डिकलेन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन दैट इज वी डी पी ए ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में थर्टी ईयर्स हो चुके थे थर्टीथ एनिवर्सरी मनाई गईन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन की वी जो है एक ह्यूमन राइट्स डिकलरेशन है जो कि अडॉप्ट किया गया था वर्ल्ड एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स 1993 में इन वीएना ऑस्ट्रिया इसकी वजह से एक कॉमन प्लान बनाया गया फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स लेट्स गो टू आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू यू एंड इसके अंडर फर्स्ट है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ये न्यूज़ में क्यों था बिकॉज रिसेंटली सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी यू एन पीस कीपिंग की ये क्या है यहाँ पे एक सेरेमनी हुई थी ओके okay, जहाँ पे पॉस्टिमसली कुछ अवार्ड दिए गए पॉस्टमस लोगों को ओके okay, जो कि डैग हमर्स जोल्ड मेडल था उन पीस कीपर्स को दिए गए कि डाई हुए थे डेथ हुई थी इनकी ट्वेंटी ट्वेंटी टू में यू एन पीस कीपिंग की बात करेंगे तो फॉर्मली क्रिएट किया गया था नाइनटीन नाइनटी टू में एज द डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन दैट इज डी पी ओ डी के अगर रूट्स की हम बात करें कहाँ से आया है तो ये 1948 में आया था विद द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट यू एन पीस कीपिंग ऑपरेशन जो कि था यू एन ट्रू सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू एन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान ओके इंपॉर्टेंट है याद रखना अप टू द लेट नाइनटीन अगर बात करें तो पीस कीपिंग ऑपरेशन ऑपरेट किए जाते थे थ्रू यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ स्पेशल पॉलिटिकल अफेयर्स इसके बारे में बात करें तो मेन एम डेडिकेटेड किस पे है डेडिकेटेड है टू तो असिस्ट द मेंबर स्टेट्स एंड सेक्रेटरी जनरल को असिस्ट करता है कि वो एफर्ट्स ने टू तो मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी फंक्शंस की बात करें तो प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन को अराउंड द वर्ल्ड एंड मेनटेन करता है कॉन्टैक्ट्स को विद सिक्योरिटी काउंसिल ट्रूप एंड फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर्स एट्सेट्रा अदर की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो उसकी थ्री मेन ऑफिस हैं नेमली रूल ऑफ लॉ एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन सेकेंड ऑफिस ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड पॉलिसी एंड थर्ड है इवेलुएशन एंड ट्रेनिंग डिवीजन देन यहाँ पे इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू यू एन पीस कीपिंग है ये काफी इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान रखो सुन के रखो वो काफी इंपॉर्टेंट है थर्ड लार्जेस्ट ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटर वेरी इंपॉर्टेंट और सिक्स जीरो सेवन थ्री पर्सनल जो है वो डिप्लॉयड है इन एट आउट ऑफ थर्टीन एक्टिव मिशन जो चल रहे हैं ओके फर्स्ट कंट्री है जिसने कॉन्ट्रीब्यूट किया था टू द ट्रस्ट फंड ऑन सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज सेटअप हुआ था ट्वेंटी सिक्सटीन में फर्स्ट कंट्री जिसने डिप्लॉय की एक ऑल वुमेन कंटीनजेंट दो हजार सत्रह में एंड जो कॉप थी शक्ति देवी जे एंड के पुलिस की डिप्लॉय की गई थी अफगानिस्तान में उन्हें अवार्ड दिया गया था इंटरनेशनल फीमेल पुलिस पीस कीपर अवार्ड ओके नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दैट इज यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ई एस सी ए पी यहाँ पे एक रिपोर्ट है जो कि लॉन्च की गई है बाय यू एन एस्कैप दैट इज यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक दैट इज एस्केप सस्टेनेबल फाइनेंस ब्रिजिंग द गैप इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट ये लॉन्च की गई थी यू एन एसकेफ की बात करें तो फर्स्ट इस्टेब्लिश किया गया था बाई इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इको इन नाइनटीन एज यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट ई नाम था जो कि रीनेम कर दिया गया उन्नीस में एज एसकेप ओके हेडक्वार्टर बैंक ऑफ थाईलैंड में है इसका ये वन ऑफ द फाइव रीजनल कमीशन है यूनाइटेड नेशन फाइव रीजनल कमीशन है वेरी इंपॉर्टेंट याद रखो ओके okay? कौन कौन से हैं ये इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका है इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन है इकोनॉमिक काउंसिल इकॉनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक एस्कैप है देन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया ई एस सी डब्ल्यू एंड इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप यूनिक है ओके okay? ये भी न्यूज़ में था वेरी इंपॉर्टेंट सो फंक्शंस की बात करें तो ये सपोर्ट करता है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रीजन्स में बाई जनरेटिंग एक्शन ओरिएंटेड नॉलेज एंड प्रोवाइड करता है जो भी टेक्निकल असिस्टेंट नीडेड होती नीडेड होती है एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सर्विसेज को इन सपोर्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं एंड रीजनल एग्रीमेंट्स ओके मेंबर्स मेंबर्सिप की बात करें तो 53 मेंबर स्टेट्स इसके अंदर आते हैं इंक्लूडिंग इंडिया एंड नाइन एसोसिएट मेंबर्स हैं अदर रिपोर्ट्स कौन सी हैं की प्रोग्रेस असेसमेंट रिपोर्ट है एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिपोर्ट सिट्रल साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस को इसलिए न्यूज में आया हो गया यू एन सेट्रल क्या है, ये है था 1966 में, जो कि एक सब्सिडरी बॉडी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जिसका मैंडेट है फर्दर हार्बोनाइजेशन एंड यूनिफिकेशन करना ऑफ लॉ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इसमें सेवेंटी मेंबर स्टेट्स आते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं बाई जनरल असेंबली मेंबर्स 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और इंडिया 2028 तक के लिए इसका मेंबर है यू एन सेक्ट्रल डब्ल्यू टी ओ का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल कन्फ्यूज मत करना होके डब्ल्यू टी ओ डील करता है ट्रेड पॉलिसी इश्यूज के साथ वहीं पर यू एन सेक्ट्रल जो है ये डील करता है लॉस के साथ जो कि एप्लीकेबल है प्राइवेट पार्टीज पे इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंड ये इन्वॉल्व नहीं होता है स्टेट टू स्टेट इशूज नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड इसने रिलीज किया एक वाइट पेपर फॉर एग्री टेक इनोवेशन इन इंडिया यू एन सी डी एफ की बात करें तो यू एन फ्लैगशिप कैटेलिटिक फाइनेंसिंग एंटिटी है फॉर वर्ल्ड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ओके ये एक ऑटोनॉमस वॉलेंट्री फंडेड यूएन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एफिलिएटेड है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ एंड इसे क्रिएट किया गया था 1966 में बाय यूएन जनरल असेंबली नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दैट इज ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप जी इंडिया ने ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशंस जी को ओके जी जी जो है ये सेटअप किया गया था बाई uh, यूनाइट नेशन जन सेक्रेटरी जनरल दो में जो कि एड्रेस करता है अर्जेंट एंड क्रिटिकल जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं अबाउट इंटरलिंक्ड क्राइसिस इन फूड सिक्योरिटी एनर्जी एंड फाइनेंस एंड कोऑर्डिनेट करता है इंटरनेशनल रिस्पॉन्स में इसकी देख रेख की जाती है बाई चैंपियंस ग्रुप जिसमें आते हैं हेड ऑफ़ स्टेट या फिर हेड ऑफ़ गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश बारबाडोस डेनमार्क जर्मनी इंडोनेशिया एंड सैनेगल नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन इंडिया को इलेक्ट किया गया है, है स्टेबलिश तो किया गया था नाइनटीन फोर्टी सेवन में और ये हाइस्ट बॉडी है ऑफ ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम जो कि साथ में लाती है चीफ स्टैटिस्टिशियंस को फ्रॉम मेम्बर स्टेट्स फ्राम अराउंड द वर्ल्ड ये देख रेख करती है जो भी काम होता है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन का एंड ये एक फंक्शनल कमीशन है यू एन शॉक का ये गलत लिखा हुआ है यू एन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल मींस यू एन ओके मेंबरशिप की बात करें तो 24 मेंबर कंट्रीज में आते हैं ऑफ यूएन इलेक्ट की जाती हैं बाय यूनाइटेड नेशन इकोशॉक ओके इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑन द बेसिस ऑफ एन इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओके okay? ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग मींस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं यहाँ पे इसका मतलब है मेंबर टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या होता है फोर इयर्स के लिए होता है जो कि अभी हमने ऊपर देखा लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूएनसीटीएडी ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 है वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ओके यूएनसीटीएडी रिलीज करता है ये रिलीज की गई है बाय यूएनसीटीएडी दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है याद रखोगे जेनेसिस की बात करें तो एक परमानेंट इंटर गवर्मेंटल बॉडी है जो कि इस्टेब्लिस की, की गई थी बाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली नाइनटीन सिक्सटी फोर हेडक्वार्टर जेनेवा में है फंक्शंस की बात करें तो हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज को कि वो ग्लोबल इकोनमी में मोर इक्विटेबली पार्टिसिपेट कर सकें ओके सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज के एफर्ट्स को जिससे कि वो यूज करें ट्रेड इन्वेस्टमेंट फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी को एज व्हीकल्स व्हीकल्स की तरफ फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 195 मेंबर स्टेट्स हैं स्कैंड इंक्लूडिंग इंडिया अदर रिपोर्ट्स कौन से हैं यू एन की दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक तो है ये देख लिया आपने हो गए वर्ल्ड इवेस्टमेंट रिपोर्ट है द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एफ्रीका रिपोर्ट है डिजिटल इकॉमी रिपोर्ट है एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट है लेट्स गो नेक्स्ट टॉपिक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफ एफ ए ने रिलीज किया है फूड आउटलुक जो कि एक बाई एनुअल रिपोर्ट है एक साल में दो बार आता है okay? जिसने, जो कंटेन करता था, था फोरकास्ट को ऑफ प्रोडक्शन ट्रेड यूटिलाइजेशन एंड स्टॉक लेवल्स को अक्रॉस वर्ल्ड मेजर बेसिक फूड स्ट्स एफ ए की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है फाउंड हुआ था नाइनटीन फोर्टी फाइव में जो कि एक की स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की और ये लीड करता है इंटरनेशनल एफर्ट्स में टू डिफीट हंगर हेडक्वार्टर रोम इटली में है मेंबर्स की बात करें 194 मेंबर्स फोर मेम्बर्स इंक्लूडिंग इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन गोल्स क्या हैं इसके एरेडिकेशन करना चाहता है किसका हंगर का फूड इनसिक्योरिटी का मल न्यूट्रिशन का एलिमिनेट करना चाहता है पॉवर्टी को एंड ड्राइव फॉरवर्ड करना चाहता है ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस मीन्स सभी की इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस हो सके ऐसा करना चाहता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन करना चाहता है नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं उनका दैट इज लैंड एयर वाटर क्लाइमेट एंड जेनेटिक रिसोर्स का अदर की इन्फॉर्मेशन देखें तो वर्ल्ड फूड डे जो है सिक्सटीन अक्टूबर को जो सेलिब्रेट किया गया ये फाउंडिंग डे जो था एफ का उस पर सेलिब्रेट किया गया ओके okay? मार्क कर रहा था इसकी एनिवर्सरी एफ की एफ वर्क करता है क्लोजली विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डब्ल्यू एफ पी एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आई एफ ए डी देन यहाँ पे कुछ फ्लैगसिप रिपोर्ट्स हैं एंड इनिशियेटिवस हैं एफ ए के जैसे कि द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट हंगर मैप है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन और सी ए सी है टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ओके प्रीवियस पी टी सिक्सटी फाइव में इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन आईसीओ वेरी इंपॉर्टेंट फिफ्थ वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस होस्ट की गई थी बाई इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन ओबी इंडिया में और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि, कि किसी एशियन कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री में आ, होस्ट की गई ओके okay? आईसीओ की बात करें इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन की तो नाइनटीन सिक्सटी थ्री में स्टेबलिश हुआ था अंडर द एजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन जो फॉलो करा था अप्रूवल को अप्रूवल मिला था जब इसे फर्स्ट इंटरनेशनल कॉफी एग्रीमेंट से इन 1962 ये रिप्रेजेंट करता है 93 परसेंट ऑफ वर्ल्ड कॉफी प्रोडक्शन को एंड 63 परसेंट ऑफ वर्ल्ड कंजम्पशन को ओके okay? किसके कॉफी के कंजम्पशन को ऑब्जेक्टिव्स की बात करें स्ट्रेंथन करना चाहता है ग्लोबल कॉफी सेक्टर को ये प्रमोट करना चाहता है सस्टेनेबल एक्सपेंसन को इन अ मार्केट बेस्ड इन्वायरमेंट एक मार्केट बेस्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सेक्टर्स इन द ग्लोबल कॉफी वैल्यू चेन जी नॉट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ये एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है ओके okay? मेंबर्स की बात करें तो फोर्टी नाइन मेंबर्स हैं जिसमें फोर्टी टू एक्सपोर्टिंग एंड सेवन इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं ओके एज ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू इंडिया एक एक्सपोर्टिंग मेंबर है इंपॉर्टेंट है अदर की इन्फॉर्मेशन एक मात्र इंटरगवर्मेंटल ऑर्गनाइजेशन है कॉफी के लिए जो कि साथ मिलाती है एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग गवर्नमेंट्स को लेट्स गो टूअ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एल सिक्सटी नाइन ग्रुपिंग ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एल सिक्सटी नाइन जो ग्रुपिंग है इसकी मीटिंग हुई जो कि होस्ट की गई बाई इंडिया ओके एंड इसने ये बता रहा था कि रिफॉर्म चाहिए इसे यू एन एस सी में ओके okay? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया भी इसमें है एल सिक्सटी नाइन जो है ये एक प्रो रिफॉर्म ग्रुपिंग है जो कि इंक्लूड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को फ्रॉम अफ्रीका लैटिन अमेरिका एंड द करिबियन एशिया एंड द पैसिफिक कंट्रीज यहाँ पर यूनाइट की हुई हैं कॉमन डिजायर के लिए ये यूनाइट हुई हैं जो अचीव करना चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म कहां परस में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में काफी न्यूज में रहता है आप जानते ओके एंड स्ट्रेंथन करना चाहते हैं मल्टी को इंडिया एक लीडिंग कंट्री है एल सिक्सटी ग्रुप की लेट्स गो टू अर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जी ये न्यूज में क्यों था बिकॉज इंडिया को आप सभी जानते हो कि इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली थी जी की ओके okay? तो न्यू डेली में पहली बार हुआ था इसकी मेन थीम क्या थी वसुधैव कुटुम्बकम एंड जिसका मीनिंग होता है इंग्लिश में वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर ओके सो इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आउटकम्स हैं इसमें जो आए हैं सभी आपको याद नहीं रखने हैं बस इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट याद रखो ओके okay? मैं रिमाइंड कराता चलूंगा कौन से इम्पोर्टेंट हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना यहाँ पर एड हुआ जी ट्वेंटी न्यू डेली लीडर्स ज्वाइंट डिकलरेशन का ये इंक्लूड करता है थीम्स लाइक एक्सलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन एस टीजीज वुमेन एम्पावरमेंट रिफॉर्म ऑफ मल्टी लेटरल इंस्टीट्यूशन मेन थीम यही थी कि ये सब चीजें होनी चाहिए ओके इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ग्लोबल पीस देन यहाँ पर लॉन्च किया गया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वेरी इंपॉर्टेंट ओके जिसे कि इंक्रीज किया जा इसका कंजम्पन ऑफ बायोफ्यूल्स का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आया जो कि स्टैब्लिश करता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओके okay? देन फॉर्मल इंक्लूजन हुआ अफ्रीकन यूनियन का एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द जी ट्वेंटी मीनस अब ये जी ट्वेंटी वन हो गया है ओके okay, अगर बोलें तो सो अफ्रीकन यूनियन के बारे में आपके लिए पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है दिया होना दिया हो कहीं पे अदर आउटकम्स की बात करें तो यहाँ पे प्रपोजल रखा गया कि लॉन्च करनी चाहिए एक जी ट्वेंटी सेटिलाइट मिशन लॉन्च करना चाहिए फॉर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन जिससे कि इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट को ऑब्जर्व किया जा सके फॉर ग्लोबल साउथ ओके ग्लोबल साउथ आपको पता होना चाहिए क्यों यूज किया जाता है टर्म ग्लोबल डिपॉजिट ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना फ्रेमवर्क होना चाहिए क्रिप्टो असेट्स के लिए एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिस्पॉन्सिबली यूज़ किया जाना चाहिए ओके okay? कंसेंसस आया ऑन जी ट्वेंटी फ्रेमवर्क फॉर जी डी पी आई आर डेट इज ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिपॉजिटरी रेस्पेक्टिवलीन जी ट्वेंटी 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 थ्री जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्शन प्लान एफ आई ए पी ये आया फॉर इंडिविजुअल्स एंड एम एस एम ईज देन मेंबर्स ने फर्स्ट टाइम यूनानिमसली एंडोर्स किया जो कि एडवांसमेंट uh, को किसके कल्चर के एडवांसमेंट को एज अ स्टैंड अलोन गोल अंडर द डॉक्यूमेंट जिसका नेम था काशी कल्चर पाथवे ये एक लाइन में जितना लिखा हुआ है ये आप ऐसे ही याद रखो इंपॉर्टेंट हो सकता है इस्टेब्लिश किया गया यहाँ पे स्टार्टअप ट्वेंटी इंगेजमेंट ग्रुप को एडॉप्शन हुआ जी ट्वेंटी जेनरिक फ्रेमवर्क का फॉर मैपिंग वैल्यू ग्लोबल वैल्यू चेन दैट इज जी प्रपोजल आया फॉर द वन फ्यूचर अलायंस का एंड सोशल इम्पैक्ट फंड का जिससे कि इम्प्लीमेंट किया है इसके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज डी को इन कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ वन फ्यूचर अलायंस याद रखो थोड़ा ओके इनिशियेटिव लाइक जो रसीक है एंड ट्रेवल फॉर लाइफ है एक्सेट्रा है वो यहाँ पे आए रसीक का फुल फॉर्म क्या है रिसोर्स एफिशियंसी सर्कुलर इकॉनमी इंडस्ट्री कोलिशन थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना ओके okay? न्यूज़ में कवर किया गया था काफ़ी प्रमोशन हुआ यहाँ पे थेमेटिक रोड मैप्स एंड प्रिंसिपल्स का वो देखते हैं जयपुर कॉल फॉर एक्शन आया जिससे कि इन्हहास किया जा सके एम के एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन को जिससे कि प्रमोट किया जा सके इंटीग्रेशन किसका एमएसएमई का इनटू इंटरनेशनल ट्रेड चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल आए फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलियट ब्लू और ओशन बेस्ड इकोनॉमी के लिए दैन गांधी नगर इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप है जी एंड गांधी नगर इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म जी है जो कि स्ट्रेंथन करता है जी ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव को जिसका एम है प्रिवेंट करना हॉल्ट करना या फिर रिवर्स करना लैंड डिग्रेडेशन को जो लैंड डिग्रेड कर रही है इसको रोक लेना ओके जिसका विद एन एम्बिसन जिसमें एम्बिसन क्या है कि रिड्यूस करेंगे डिग्रेडेड लैंड को बाई फिफ्टी परसेंट बाई ट्वेंटी फोर्टी दैन गोवा रोड मैप फॉर टूरिज़्म आया एज अ व्हीकल जो कि एक व्हीकल की तरह वर्क करता है फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू अचीव सस्टेनेबल टूरिज्म देन नेक्स्ट है यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन के बारे में पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट अफ्रीकन यूनियन का हेड क्वार्टर है आदिशा एथियोपिया में जेनेसिस की बात करें तो लॉन्च किया गया था 2002 में एज अ सक्सेसर टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी ओ 1963 से 1999 तक जो कि रहा मेंबर्स की बात करें तो 55 फाइव मेंबर हैं इसमें जो कि सारे के सारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हैं ओके मेन है याद रखो एम क्या है ये प्रमोट करते हैं अफ्रीका के ग्रोथ को एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बाई चैंपियनिंग सिटीजन इंक्लूजन एंड इंक्रीज कॉपरेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ अफ्रीकन स्टेट्स अदर की फैक्ट्स की बात करें तो ये सेकेंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि परमानेंट मेंबर बन गया है जी ट्वेंटी का आफ्टर कोर्स यूरोपियन यूनियन ओके रिसेंटली अफ्रीकन यूनियन जो है उसने सस्पेंड किया था नाइजर को इसकी सारी जो एक्टिविटीज चल रही उनसे क्योंकि मिलिट्री कू हुई थी नाइजर में बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है याद रखो ओके नाइजर नॉट नाइजीरिया नोट इंडिया इंगेज है विद अदर टू टू अदर इंपॉर्टेंट ग्रुप्स जो है अफ्रीका के दैट इज एफ सी एफ टी ए एंड सदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन साकू ओके जो भी बोल लो आप एस ए सी यू या फिर साकू ए ए एफ सी एफ टी ए जो एग्रीमेंट है यह साइन किया गया था टू थाउजेंड एट्टीन में बिटवीन फिफ्टी फाइव अफ्रीकन नेशंस और ये क्रिएट करता है लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया को इन द वर्ल्ड इसीलिए इंडिया के लिए तो इंपॉर्टेंट है तो इंडिया ने इस, इसके साथ संबंध बनाए रखे हैं ओके साकू जो है एक कस्टम यूनियन है कस्टम यूनियन अगर आपको नहीं पता है प्लीज जाके देख लो या फिर कमेंट में पूछ लेना ये कस्टम uh, यूनियन है हमारे फाइव कंट्रीज ऑफ सदर्न अफ्रीका ये साउथ सदर्न अफ्रीका में पड़ते हैं सारे बोत्सवाना एसवाति लेसोथो नबीबिया एंड साउथ अफ्रीका जी ट्वेंटी की बात करते हैं ये फाउंड हुआ था 1999 में आफ्टर मीनस uh, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई उसके बाद ये फॉर्म हुआ था ये एक फोरम की तरह आया था फॉर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स यहाँ पे होते थे डिस्कस करते थे ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज को पर्पज़ क्या है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेव करने में स्ट्रेंदन करने के करने में ग्लोबल आर्किटेक्चर को एंड गवर्नेंस को सभी मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज पे मेंबर्स की बात करें तो ये सारे हैं याद रख नहीं पाओगे एक ट्रिक है इसकी याद रखने की इम्पोर्टेंट है याद रखने तो आप याद रख लो ओके okay? वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो तो मैं बता दूंगा ओके okay? अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील कनाडा चाइना फ्रांस जर्मनी इंडिया इंडोनेशिया इट्टी जापान रिपब्लिक ऑफ कोरिया मेक्सिको रशिया सऊदी अरेबिया साउथ अफ्रीका तुर्की यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स अफ्रीकन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन के पार्ट है इंडिया हैज बीन अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ जी ट्वेंटी अफ्रीकन यूनियन भी आ गया है जी ट्वेंटी में ही जी ट्वेंटी वन नहीं किया गया अभी ओके याद रखना अफ्रीकन यूनियन को जरूर इंक्लूड किया इन्होंने देन यहाँ पे जी ट्वेंटी रिप्रेजेंट करता है एटी फाइव परसेंट ऑफ ग्लोबल जी डी पी को सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड को एंड टू बाई थर्ड ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को वर्किंग की बात करें तो जी ट्वेंटी की समिट जो है वो हर एक आ, हर साल होती है ओके अंडर द लीडरशिप ऑफ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी सपोर्ट की जाती है बाय द ट्रायका मीन्स जो करंट है एंड जो प्रीवियस पहले रह चुका है जो इनकमिंग आने वाला आने वाली प्रेसिडेंसी है तीनों मिलकर सपोर्ट करते हैं ट्वेंटी के ट्रायका कौन से थे सब इंडोनेशिया प्रीवियस वाली हो चुकी थी ओके okay? इंडिया करंट वाला था एंड ब्राजील होने वाला सो ट्वेंटी ट्वेंटी के ट्राइका में ब्राजील आएगा इंडिया आएगा एंड साउथ अफ्रीका आएगा सो so, अगर आगे जाएंगे 2025 में तो साउथ अफ्रीका में होगा ओके कंसिस्ट ऑफ टू पैर ट्रैक्स यहाँ पे होते हैं एक फाइनेंस ट्रैक होता है सिरपा ट्रैक न्यूज में आप रोज पढ़ते हो गए एक सब ओके okay? इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है फिर स्टाफ नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay? याद रखो अचीवमेंट्स की बात करें जी ट्वेंटी की तो एड्रेस करता है फाइनेंशियल क्राइसिस को किए हैं इसने ओके okay? जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई टू थाउजेंड की यूरो जोन क्राइसिस है 2010 की एटसेट्रा जो यू टेन ट्रिलियन यू एस डॉलर का एक रेस्क्यू पैकेज इसके वजह से आया था फॉर द कोविड नाइन्टीन पैंडमिक यू एस चाइना ट्रेड ट्रूस हुआ ट्वेंटी एटीन में एंड इसने टैक्स रिफॉर्म्स लाए फॉर द बेनिफिट ऑफ लो इनकम कंट्रीज डिटेल्स ऑन की नहीं मैंने बोला था ग्लोबल बायोफ्यूज अलायंस इंपॉर्टेंट है यहां पर दिया हुआ है पढ़ देते हैं ये लॉन्च किया गया बाई इंडिया अलॉन्ग विद लीडर्स ऑफ सिंगापुर बांग्लादेश इटली यू एस ए ब्राजील अर्जेंटीना मॉरिशस यू ए इंपॉर्टेंट ओके इसका एम क्या है कैटेलिटिक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करता है जो कि बढ़ावा देता है ग्लोबल कोलैबोरेशन को फॉर द एडवांसमेंट जिससे कि एडवांसमेंट हो सके एंड वाइड स्प्रेड एडोप्शन हो सके बायोफ्यूल्स का ये जो अलायंस है यह एक्ट करता है एक सेंट्रल डिपॉजिटरी ऑफ नॉलेज की तरह एंड एक्सपर्ट हब की तरह बेनिफिट्स क्या है इसके इंडिया के लिए यह बूस्ट करता है इंडिया के बायोफ्यूल इनिशिएटिव को जैसे कि जो भी इनिशिएटिव्स हैं बायोफ्यूल के लेके इंडिया के जैसे कि पीएम जीवन योजना है सतत है सतत के बारे में पहले पढ़ चुके गोवर्धन स्कीम है कंट्रीब्यूट करता है फार्मर की इनकम को इंक्रीज करने में एंड न्यू जॉब्स को क्रिएट करने में रिड्यूस करता है ऑयल डिपेंडेंसी जो है इंडिया इंपोर्ट करता है एट्टी परसेंट ऑफ मोर देन 80% परसेंट ऑफ इट्स क्रूड ऑयल ओके वेरी इंपॉर्टेंट अचीव करता है नेशनल टारगेट्स को जैसे कि ट्वेंटी परसेंट एथनॉल टारगेट है इंडिया का बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स टेन परसेंट तो इंडिया कप का खर्चा ओके एडिशनल अपॉर्चुनिटीज इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए जैसे कि ग्लोबल बायोफ्यूल डिमांड को मीट कर सकते हैं एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी एंड एक्विपमेंट्स को प्रेजेंट जी बी ए मेम्बर्स कौन कौन से हैं यह देखें तो सेवन जी ट्वेंटी कंट्रीज इसके अंडर आती है अर्जेंटीना ब्राज़िल यूएसए इंडिया इटली साउथ अफ्रीका वेरी इंपॉर्टेंट फोर जी ट्वेंटी इन्विटी कंट्रीज हैं बांग्लादेश सिंगापुर मॉरिशियस यू ए एट नॉन जी ट्वेंटी कंट्रीज हैं आइसलैंड केन्या गयाना पराग्वे सेसल्स श्रीलंका युगेंडा फिनलैंड इतना सब याद रखने के लिए नहीं होती ओके ट्वेल्व इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये याद रखो कि इसमें इंटरनेशनल भी हैं इंटर गवर्नमेंटल नहीं है ओके ग्लोबल बायोफील अलायंस ये इंक्लूड करता है वर्ल्ड बैंक को एशियन डेवलपमेंट बैंक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एटसेट्रा इन लोगों को ओके देन नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर दैट इज आई ये जितने भी प्लेसेस यहाँ पे दी हुई है, हैं सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है ओके okay? इंडिया का मुंबई है देन यूएई से अल अलगोफत है देन हरद है सऊदी अरेबिया से अलहद है सऊदी अरेबिया से पैरिस है ग्रीस से हाइफा है इसराइल से रियाद है सऊदी अरेबिया से जबल अली है यू से ओके okay? सारे याद रखो इम्पॉर्टेंट है पिछले साल भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो साइन किया रखा गया है टू जैसे कि इस्टेब्लिश करना है इन्हें आई को मीन्स इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो साइन किया गया है बिटवीन इंडिया यूएस सऊदी अरेबिया यूरोपियन यूनियन यूएई फ्रांस जर्मनी एंड इटली आई मेक कंसिस्ट करता है ऑफ रेल रोड यहाँ पे हैं सेप टू रेल नेटवर्क्स हैं रोड एंड सी दोनों में इलाके एंड रेल ट्रा, ट्रांसपोर्ट रूट्स हैं नेटवर्क्स हैं जो कि एक्सटेंड होते हैं क्रॉस टू कॉरिडोर ये इंपॉर्टेंट टू कॉरिडोर्स यहाँ पे हैं ईस्ट कॉरिडोर है नॉर्थ कॉरिडोर है ईस्ट कॉरिडोर में जो है ये कनेक्ट करता है इंडिया को अरेबियन गल्फ से नर्दर्न कॉरिडोर जो है ये अरेबियन गल्फ़ को यूरोप से कनेक्ट करता है वेरी इंपॉर्टेंट एम क्या है ये प्रोवाइड करता है एक रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर सिप टू रेल ट्रांजिट नेटवर्क जो कि इनेबल करता है गुड्स एंड सर्विसेज को कि वो ट्रांजिट ट्रांजिट कर सकें टू एंड फ्रॉम बिटवीन इंडिया मीन्स इंडिया एंड जो ये कंट्रीज हैं इनसे पास हो सकें ईजली इंडिया यू सऊदी अरेबिया जॉर्डन इजराइल एंड यूरोप ओके अदर की इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये प्रोजेक्ट जो है ये पार्ट है किसका पी का ये काफी आपने न्यूज में सुना होगा एक दो साल पहले पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पी जी आई आई अनाउंस हुआ था 2021 में ड्यूरिंग जी सेवन समिट इन द यू के एंड ये देखा जाता है एक जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका काउंटर करने के लिए उसको काउंटर करने के लिए आया था ओके ऐसे देखा जाता है अदर प्रोजेक्ट्स अंडर पी की बात करें तो ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर है दैन सिग्निफिकेंस क्या है आई मेक का इंडिया की एक्सपेक्टेड है कि स्पीडअप करेगा ट्रेड को बिटवीन इंडिया एंड यूरोप बाय अप टू फोर्टी परसेंट एंड काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है इंडिया के लिए ओके ये रिड्यूस करेगा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को एज वेल एज बूस्ट करेगा ट्रेड्स को इन गुड्स एंड सर्विसज अक्रॉस कंट्रीज बूस्ट करेगा ये एक्ट वेस्ट पॉलिसी को देन यहाँ पे ग्लोबल साउथ है रिलेटेड कॉन्सेप्ट में ये ब्रांड लाइन है ओके okay? देखेंगे क्या है ये रेफर करते हैं ग्लोबल साउथ क्या है कंट्रीज है जो कि ऑफन करेक्टराइज की, की जाती हैं डेवलपिंग लेस डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड की तरह ये कंट्रीज प्राइमरली लोकेटेड हैं सदर्न हेमोस्फेयर में लार्जली अफ्रीका एशिया एंड लैटिन अमेरिका में सिमिलरली जो डेवलप्ड कंट्रीज सच सचैसे यूनाइटेड स्टेट्स कनेडा यूरोप रशिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ग्लोबल नॉर्थ को जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबल साउथ का ये आया था फ्रॉम ब्रांड रिपोर्ट ऑफ नाइनटीन जिसने प्रपोज किया था कि डिवीजन होना है एक नॉर्थ एंड साउथ के बीच कंट्रीज uh, के बीच में बेस्ड ऑन देयर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जीडीपी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सो ऑन लेट्स गो टूअ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अदर इनिशिएटिव्स बाय जी ट्वेंटी फर्स्ट है यहाँ पे जी ट्वेंटी एम्पावर ये क्या है जी ट्वेंटी अलायंस फॉर एम्पावरमेंट एंड प्रोग्रेसन ऑफ वुमेंस इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन जी ट्वेंटी एम्पावर एक अलायंस है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच में जैसे कि एक्सरेट करना चाहते हैं वुमेन्स की लीडरशिप एंड एम्पावरमेंट को प्राइवेट सेक्टर में ओके तो ध्यान रख सकते हो एक लाइन में ऐसे ही देन महारसी इनिशिएटिव वेरी इंपॉर्टेंट मिरट्स एंड अदर एनसेंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव है पार्टिसिपेंट जो थे जी ट्वेंटी मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट के ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्थी पीपल एंड प्लैनट उन्होंने यूनिमसली सपोर्ट किया कि हमें लॉन्च करना चाहिए महारसी इनिशिएटिव को ओके okay? इसका सेक्रेट्रिएट होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट रिसर्च हैदराबाद में और इसे टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम आइरी सैट वन सेंटर एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइेशन के द्वारा ये फोकस करेगा रिसर्च एंड अवेयरनेस पे अबाउट एग्रोबायोडावर्सिटी फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन एंड अलाइन करेगा विद द इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट जो कि बोला गया है 2023 को ओके देन बी है दैट इज बिजनेस 20 ये थीम है रिसेंट बी समिट जो हुई थीम uh, जो थी रिसेंट बी ट्वेंटी समिट की वो रेस थी ओके रेस्पॉन्सिबल एक्सलरेटेड इनोवेटिव सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेसेस बी ट्वेंटी इस्टेब्लिश किया गया था टू थाउजेंड टेन में एज द ऑफिशियल जी ट्वेंटी डायलॉग फोरम विद ग्लोबल बायो बिजनेस कम्युनिटी ये पॉलिसी मेकर्स बिजनेस लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स को फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड साथ में लाता है कि वो डेलीब्रेट करें एंड डिस्कस करें बी ट्वेंटी इंडिया कम्युनिटी को देन यहाँ पे जी आई डी एच है दैट इज ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ डब्ल्यू एच ओ एंड जी ट्वेंटी इंडिया प्रेसिडेंसी जो थी उसने अनाउंस किया ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ दट इज जी आई डी एच जो कि की डिलीवरेबल है ऑफ थर्ड हेल्थ प्रायोरिटी अंडर इंडियाजी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी जी आई डी एच एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर शेयर किया जाता है डिजिटल गुड्स एंड नॉलेज को जिससे कि प्रमोट किया जा सके कंट्री कैपेसिटी को एंड स्ट्रेंदन किया जा सके कि इंटरनेशनल कॉपरेशन को जी आई डी एच ऑपरेट करता है एज़ अ डब्ल्यू एच ओ मैनेज नेटवर्क जो सपोर्ट करता है इम्प्लीमेंटेशन को ऑफ ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऑन डिजिटल हेल्थ ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ये सब एक लाइन में याद रख पाओ तो रख लो अदरवाइज छोड़ दो अकॉर्डिंग टू मी ओके एफ ई वी आर की बात करते हैं फ्रेमवर्क फॉर हेल्थ सोशल एंड इकोनॉमिक वेबिलिटीज रिस्क फ्रॉम पैंडमिक्स ओके ऑन रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट की थी जियो ट्वेंटी टास्क फोर्स में तो इस वजह से एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया गया बाई डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड बैंक आई एम एफ एंड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जिससे कि बेटर अंडरस्टैंड एंड इकोनॉमिक वजरेबलिटीज़ हैं एंड उनके रिजल्टिंग रिस्क हैं जो कि पैंडमिक्स की वजह से होता है ओके okay? इसके टू कॉम्पोनेंट्स हैं की हेल्थ सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो कि मॉनिटर किए जाने चाहिए रिस्क एंड चॉक्स को मिटिगेट करने के लिए सेकेंड कॉम्पोनेंट है डिफ्रेंसियल इम्पैक्ट जो होता है एंड इकोनॉमिक आउटकम्स पे ऑफ डिफरेंट पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ का टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग इतना इम्पोर्टेंट ये सब नहीं है ओके रिलेटेड न्यूज़ में देखते हैं इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग दैट इज ई एफ डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनाउंस किया हो लॉन्च इसकी लॉन्चिंग हो दैट इज इंडिया इंडोनेशिया ई एफ डी की लॉन्चिंग हो ऑन द साइडलाइंस ऑफ जी ट्वेंटी फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक ऑर्नर्स मीटिंग इन गुजरात ई एफ डी कैसे करता है इनहांस कोलेब्रेशन को ऑन बाइलेट्रल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स पे और ये साथ में लाता है इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स को एंड फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को ओके okay? दे इंडोनेशिया की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इंडोनेशिया इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आसियान रीजन में ओके थर्टी एट बिलियन डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बिम्स्टेक ये न्यूज में क्यों था बिकॉज इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट फॉरन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी इन बिम्स्टेक की ओके इन बैंकॉक थाईलैंड बिमस्टेक मीन्स बे ऑफ बंगाल इनिशियेटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन पहले इसका नाम दूसरा था अभी चेंज कर दिया गया ओके बिमस्टिक की बात करें तो इस्टेब्लिश किया गया था जून 1997 में एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ओके बाय साइनिंग ऑफ द बैंकॉक डिक्लेरेशन इनिशियली स्टैब्लिश किया गया था एज बिस्ट एक्ट ओके यहाँ पे फोर कंट्रीज ही थी बंगाल सॉरी बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका एंड थाईलैंड म्यांमार ने ज्वाइन किया इसे नाइनटीन नाइनटी में फिफ्थ कंट्री एंड the ग्रुप जो था उसको रीनेम किया गया बिम्ट एक्ट बोल दिया गया बिम्स्टेक ओके देन सेक्रेटेट इसका ढाका बांग्लादेश में है पर्पज़ क्या है ये क्रिएट करता है एक इनेबलिंग एन्वायरमेंट को जहाँ पे रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके एंड सोशल प्रोग्रेस हो सके एंड ये मेंटेन करता है पीस एंड स्टेबिलिटी को भी इन द वे ऑफ बंगॉल रीजन करंट्रीज के सेवन मेम्बर्स हैं दो और कौन जुड़ गए नेपाल एंड भूटान में ओके okay? सो so, तभी ये नाम चेंज कर दिया गया और बिमस्टेक ऐसे रख दिया गया अदरवाइज एक कंट्रीज के नेम पे था एंड इसी मीन्स इकोनॉमिक कॉपरेशन करंट मेंबर्स कौन से हैं बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका थाईलैंड म्यांमार नेपाल एंड भूटान फाउंडिंग प्रिंसिपल्स क्या है बिम्स्टेक के सॉबरन इक्वालिटी होनी चाहिए ओके okay? एक दूसरे में मेनली कोई इंटरफेयर नहीं करेगा बस प्रमोट करेंगे कॉपरेशन को एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ओके okay? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होनी चाहिए पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इंटरनल अफेयर्स में पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहेगा एंड म्यूचुअल बेनिफिट की बात करेंगे ओके बिम्स्टेक चार्टर की बात करें तो साइन एंड अडॉप्ट किया गया था ड्यूरिंग द फिफ्थ बिमस्टेक समिट जो थी ट्वेंटी ट्वेंटी टू में ओके okay? जिसे विच uh, फॉर्मलाइज जिसे फॉर्मलाइज कर दिया इस ग्रुपिंग को इन टू एन ऑर्गेनाइजेशन देन इसके अंडर बात करें तो मेंबर्स ने एग्री किया कि रिड्यूस कि करेंगे नंबर ऑफ सेक्टर्स या फिर पिलर्स ऑफ कॉपरेशन जो है फ्रॉम फोर्टीन टू सेवन एंड हर एक मेंबर जो होगा एक पिलर को लेड लीड uh, करेगा इंडिया सिक्योरिटी पिलर का लीडर है यहाँ पे लीड करता है इंडिया उसे देन यहाँ पे बिम्स्टेक के नेशंस दिए हुए हैं इंडिया नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यांमार थाईलैंड एंड श्रीलंका देन यहाँ पे इंपॉर्टेंस बिम्स्टेक की बताई गई है ट्वेंटी टू परसेंट जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इन कंट्रीज़ में रहती है टू पॉइंट सेवन ट्रिलियन इनकी कंबाइंड जी डी पी है वन फोर जो वर्ल्ड का ट्रेड है ओके गुड्स में वो क्रॉस करता है बेको एवरी ईयर वर्ड्स का जो ट्रेडेड गुड्स है ओके सिक्स फोकस एरियाज हैं इसके ट्रेड टेक्नोलॉजी एनर्जी ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड एंड फिशरीज सिक्योरिटी इंडिया लीड करता है ओके लेट्स गो टू से नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आशियान ये न्यूज में क्यों था बिकॉज रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने अटेंड किया था ट्वेंटी एशियन इंडिया समिट को इन जकार्ता इंडोनेशिया की हाईलाइट क्या हैं इसकी इंडिया ने यहाँ पे एक ट्वेल्व पॉइंट प्रपोजल रखा जो कि स्ट्रेंदन करता है इंडिया एशियन कॉपरेशन को जिसमें की बात की इस्टैब्लिश करने की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर को ओके okay, जो कि लिंक करेगा साउथ ईस्ट एशिया को इंडिया से एंड इंटरन आगे चल के वेस्ट एशिया एंड यूरोप से भी कनेक्टेड रहेगा जो कि आई मेक ने बात की ओके देन शेयर करता है इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक को विद एशियन पार्टनर्स एशिया इंडिया फंड होगा फॉर डिजिटल फ्यूचर जो कि फोकस करेगा ऑन कॉपरेशन इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल कनेक्टिविटी देन ईशान की बात करें यहाँ पे तो इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में विथ साइनिंग ऑफ एशियान डिक्लरेशन ओके जिसे हम बैंकॉक डिकलेशन में बात करते हैं बिमस्टिक में भी सेम था बैंकॉक डिक्लेरेशन ओके बाई इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर एंड थाईलैंड इन्होंने ही इस्टबलिश किया था मेनली पाँच ये हैं ट्रीटी जो ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया है टैक ये इस्टैब्लिश हुई नाइनटीन में ओके एंड एम्बॉडी करता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स इन साउथ ईस्ट एशिया सेक्रेटेरिएट इसका इंडोनेशिया जकार्ता में है मेंबर्स इसके टेन है टोटल या पढ़ लो इंडोनेशिया सिंगापुर फिलीपींस मलेशिया ब्रुनई थाईलैंड कम्बोडिया लाओस म्यांमार एंड वियतनाम या फिर आप यहाँ से मैप में अच्छे से देख सकते हो ये म्यांमार थाईलैंड हो गए दे कम्बोडिया वियतनाम मलेशिया इंडोनेशिया ब्रुनई सिंगापुर एंड फिलीपीन ओके देन नेक्स्ट चलते हैं डायलॉग पार्टनर्स इसके कौन से हैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा चाइना इंडिया ईयू जापान रिपब्लिक ऑफ कोरिया न्यूजीलैंड रशियन फेडरेशन यूके यूएस मेंबर्स एशियन के याद रखो डायलॉग पार्टनर से याद करने की नीड नहीं होती है अदर की इंफॉमेशन और बात करें मेजर यहाँ पर भी याद रख सकते हो याद रह जाए तो ठीक है आशियान कम्युनिटी की बात करें तो लॉन्च किया गया था ट्वेंटी में एंड कंप्राइज करता है थ्री पिलर्स यहाँ पे होते हैं जो कि हैं आशियान पोलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड एशियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी देन आशियान क्रॉस आशियान के कुछ क्रॉस सेक्टोरल इनिशियेटिव हैं जैसे कि आशियान कनेक्टिविटी है आशियान स्मार्ट सिटीज नेटवर्क है इनिशिएटिव फॉर एशियन इंटीग्रेशन एंड नरोइंग डेवलपमेंट गैप है दैट इज़ आई ए आई एन एंड डी जी आशियान प्लस थ्री कोऑपरेशन है ये इंपॉर्टेंट है ओके okay, जो कि इंक्लूड करता है आशियान नंबर स्टेट्स को अलॉन्ग विद चाइना जपैन एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया देन इंडिया एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है आशियान के रीजनल फोरम्स में लाइक like एज ईस्ट एशिया समिट हो गया आशियान रीजनल फोरम हो गया ए आर एफ आशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग दैट इज ए डी एम एम प्लस है देन एक्सपेंडेड एशियान मेरीटाइम फोरम ई एम एफ है देन यहाँ पे देखते हैं इंडिया आशियान रिलेटेड रिलेशन दैट इज की फैक्ट्स ट्रेड की बात करें तो ट्रेड जो है आसियान कंट्रीज के साथ वो 11.3 परसेंट इंडिया का ग्लोबल ट्रेड जो है वो आसियान कंट्रीज़ के साथ होता है ओके okay? आसियान इंडिया ट्रेड इन ग्रूड सेगमेंट जो है अटी का वो साइन हुआ था टू थाउजेंड नाइन में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में बात करें तो आई एम टी है दैट इज इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेट्रल हाईवे था, ये चल रहा है ओके दे देन काला दान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है धीमे धीमे सब चल रहे हैं सिक्योरिटी की बात करें तो आसियान प्लान ऑफ एक्शन इन कम्बैटिंग ट्रांसनेशनल क्राइम है ट्वेंटी सिक्सटी से ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के लिए एडीएमएम ए डी डीएम प्लस है प्लेटफॉर्म फॉर जो कि प्लेटफॉर्म है एशियन एंड एट डायलॉग पार्टनर्स इंक्लूडिंग इंडिया के लिए रिलेटेड न्यूज़ में बात करें तो ईस्ट एशिया समिट के बारे में दिया हुआ है थोड़ा बहुत जान लोगे तो सही रहेगा इसके बारे में रिसेंटली क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे उन्होंने अटेंड किया था एटीनथ ई एस दैट इज ईस्ट एशिया समिट को इंजकार था इंडोनेशिया ई ए एस एक फोरम है जहाँ पे एटीन कंट्रीज हैं एशिया पैसिफिक रीजन की जो कि फॉर्म हुई हैं जो फर्दर करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को वहीं आगे बढ़ाते हैं ऑब्जेक्टिव्स को जो कि हैं रीजनल पीस सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ये मेंबर्स की बात करें तो टेन एशियान मेंबर्स हैं इसमें एंड ऑस्ट्रेलिया चाइना इंडिया जापान न्यूजीलैंड साउथ कोरिया रशिया एंड यूएसए आते हैं ये मेंबर्स थोड़े याद रखोगे तो अच्छा रहेगा ईस्ट एशिया समिट प्रोसेस इनिशियटिव टू थाउजेंड फाइव में विद द कन्वीनिंग ऑफ द फर्स्ट ईस्ट एशिया समिट इन क्वालमपुर मलेशिया लेट्स गो टूअ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ब्रिक्स ये न्यूज में क्यों था बिकॉज ब्रिक्स ग्रुप जो है उसने एडमिट किया फाइव न्यू मेंबर्स को एट द फिफ्टी ब्रिक्स समिट जो कि जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी सिक्स मेंबर्स को इनविटेशन मिला था बट अर्जेंटीना ने मना कर दिया था ओके okay, बाद में न्यूज़ में और क्या था एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स फाइव न्यू मेंबर्स को यहाँ पे इंडक्ट किया गया था एंट्री दी गई इजिप्ट एथियोपिया ईरान सऊदी अरेबिया एंड यू वेरी इंपॉर्टेंट दीज नेम्स ओके जोहानिस्बर्ग टू डिक्लेरेशन यहाँ पे साइन किया गया इस समिट पर जो कि इनकेप्सुलेट करता है सिग्निफिकेंट ब्रिक्स व्यू पॉइंट्स को ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक फाइनेंशियल एंड पोलिटिकल मैटर्स ब्रिक्स की बात करें तो इसकी कल्पना 2001 हज़ार एक में गई की गई थी इन अ गोल्डमैन सैक्स पेपर जो कि बताता था कि ग्रुपिंग होनी चाहिए एक फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमीज की एंड ये जी सेवन से नहीं आया है ओके ब्रिक कंट्रीज ने स्टार्ट किया उनका डायलॉग 2006 में एंड ये ब्रिक्स कब बना 2010 में जब इंडक्शन हुआ साउथ अफ्रीका का तो ब्रिक्स आ गया ओके okay? सेक्रेटेरिएट इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट खुद का नहीं है फिर ऑफिस खुद का नहीं है सेम एज जी ओके देन करंट मेम्बर्स इसमें कौन से हैं ब्रिक्स तो पहले से ही आपको ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका एंड न्यू कौन से हैं इजिप्ट थोपिया ईरान सऊदी अरेबिया एंड यू ओके नेम चेंज नहीं किया गया ब्रिक्स ही है जैसे जी ट्वेंटी में अफ्रीकन यूनियन आए बट चेंज नहीं किया गया मेजर इनिशिएटिव्स क्या हैं ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक एन डी है कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट सी है जो कि प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट मेम्बर्स को ब्रिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है फॉर वैक्सीन जो कि प्रिवेंट करता है एंड कंट्रोल करता है इन्फेक्शस डिसीजेस को ब्रिक्स अलायंस है फॉर ग्रीन टूरिज्म जो कि एक्सेलरेट करता है रिकवरी एंड डेवलपमेंट को किसके टूरिज्म की ऑन सस्टेनेबल लाइंस देन यहाँ पे ब्रिक्स रिप्रेजेंट करता है ट्वेंटी फोर परसेंट ऑफ ग्लोबल जीडीपी को फोर्टी वन परसेंट ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को एंड सिक्सटीन परसेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड को जब इसका एक्सपेंसन नहीं होता है तब की बात हो रही है ओके देन यहाँ पर रिलेटेड न्यूज़ में देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ये है सेटअप करना चाहता है स्थापित करना चाहता है एक रीजनल ऑफिस को ओके एट गिफ्ट सिटी दैट इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी ये इंपॉर्टेंट है ओके गिफ्ट सिटीज के बारे में पढ़ लेना एनडीबी इस्टैब्लिश uh, हुआ था दो हजार पंद्रह में किस लिए स्टैब्लिश हुआ था मोबिलाइज करना चाहता है रिसोर्सेज को इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज में मेम्बर्स की बात करें तो यहाँ पे ब्रिक्स नेशंस है सारे देन बांग्लादेश यू एंड इजिप्ट हैं ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट उरुग्वे एक प्रोस्पेक्टिव मेंबर है यहाँ पे एंड ये एक ऑफिशियल मेंबर हो जाएगा जब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन डिपॉजिट कर देगा हेडक्वार्टर क्वार्टर शांघाई चाइना में है इसका इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रेसिपियंट है एनडीबी के फाइनेंशियल सपोर्ट का आफ्टर चाइना वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मीटिंग ये क्या है एक इनिशियेटिव है ओके okay? इंडिया का इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मीटिंग में जो कि जोहानस साउथ अफ्रीका में हुई थी प्लेस इंपॉर्टेंट है बट सभी जानते होंगे गए जोहानसबर्ग जो भी क्रिकेट देखते हो तो जानता ही होगा जोहानस साउथ अफ्रीका में ओके फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज की बात करें तो कौन से कौन से यहाँ पे बेलारूस है बरूंडी है ईरान यूएई ई सऊदी अरबिया इजिप्ट कजाकिस्तान एंड क्यूबा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड ऑफ ब्रिक्स इनिशिएटिव का है इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये प्रमोट करता है इंटरेक्शन ब्रिक्स का उसके क्लोज अलाइज के साथ एंड एनहांस करता है उसके इन्फ्लुएंस को ओके सो so, इसके आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक इट